स्पीकर सुदीप बंदोपाध्याय जी ने तो बैलेंस के बारे में कहा, मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूं, बिकॉज उन्होंने आपका जो आदेश था उन्होंने उसको स्वीकार किया। आगे किसी के लिए भी उस तरफ इस तरह की बैनर दिखाना अच्छा नहीं है। दूसरा, मैं आपको भी अभिनंदन करना चाहता हूं, थोड़ा मैं भी थोड़ा सीनियर हूं, आपने इतना सबको इस विषय के बारे में सभी विपक्षों को बोलने के लिए मौका दिया, उनका व्यू क्या है मालूम हो गया सदन के सामने। मेरा कहना यह है, लोग चाहते सदन चले, लोग चाहते बहस हो जाए, लोग चाहते इसमें सरकार क्यों यह निर्णय लिया, इसमें तकलीफ क्या है, उसके बारे में विपक्ष का सुझाव क्या है सुनने के लिए लोग चाह रहे। हम गरीब के हित में, देश के हित में हमने ये निर्णय लिया है। ये साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय, क्रांतिकारी निर्णय के लिए पूरा देश मोदी जी के साथ दे रहे, पूरा देश कह रहे मोदी जी आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ है। इसलिए मेरा प्रार्थना यह है, रूल क्या है आपको मालूम है, एडजर्नमेंट तभी होता है जब सडनली कुछ हो गया, उसको एडजर्न करके वो डिस्कशन लेना। अभी 8 तारीख को हुआ, उस समय पार्लियामेंट नहीं था, पार्लियामेंट शुरू हो गया, बहस शुरू हो गया, राज्यसभा में बहस शुरू हो गया। मैडम, आई वॉन्ट टू पुट ऑन रिकॉर्ड, बहस शुरू हो गया, कांग्रेस वाले भी बोले, कम्युनिस्ट वाले भी बोले, हमें से भी कुछ लोग बोले, अचानक इन लोगों के बीच में क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहे। इसलिए मेरा विनती है विपक्ष से, कृपया बहस होने दीजिए, तुरंत होने दीजिए, आपको जो कहना कह दीजिए, प्रधानमंत्री का आपने मांग किया वो भी आप सुनाइए, फिर बाद में सरकार उचित निर्णय करेगा, हम चर्चा के पक्ष में है। अगर पटेल तो 2 महीने पहले आया है ना, आप पटेल है तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये 2 महीने पहले आया है, इनका पटेल जाग गया देखो, यानी ये देख रहे हैं पटेल का नाम लिखा हुआ है नोट पर।